2012 में बॉलीवुड स्टार्स ने खड़ी की एक से बढ़कर एक कॉन्ट्रोवर्सीज। किसी ने किसी को मारा थप्पड़ तो किसी की फिल्म को नहीं मिले मुंबई में थिएटर्स। तो वहीं कोई फंस गया घरेलू पति पत्नी और वो के चक्कर में। 2012 की 12 सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के स्पेशल योर एंडर एडिशन में। शुरुआत साल की सबसे बड़ी शाहरुख शिरीष स्लैप मार कॉन्ट्रोवर्सी से। अग्निपथ की सक्सेस पार्टी में शाहरुख और शिरीष के बीच हो गया तमाशा। यहाँ शाहरुख की फिल्म रावण पर एक चीजी ट्वीट करने वाले शिरीष के नॉन स्टॉप कॉमेंट्स से शाहरुख इतने भड़क गए कि शाहरुख ने लगा दिया शिरीष को कस कर एक थप्पड़, जिसका ट्विटर पर काफी मजाक बना। लोगों ने शिरीष पर जोक्स भी बनाए। लेकिन अगले ही दिन फराज शिरीष, साजिद खान और साजिद नडियादवाला ने शाहरुख के घर जाकर हम साथ साथ हैं का परचम लहरा दिया। हर परिवार में कहीं ना कहीं अनबन होती ही है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब अनबन खत्म हो जाती है और किसन मेकअप होता है। जिस तरह से फराज और शाहरुख गले मिले हैं, मैं 20 साल से उनको ऐसी गले मिलते हुए देखते आ रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एज अ ब्रदर। मैंने आपको बताया था कि हमारा झगड़ा कैसे हुआ था? नहीं बताया। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पैचअप कैसे हुआ। दिस इज अ पर्सनल थिंग। जन्म के साथ ही हम साथ साथ हैं। खैर शिरीष से तो शाहरुख का पैचअप हो गया, लेकिन इसके बाद पूरे साल शाहरुख किसी न किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स के एक आईपीएल मैच में वानखेड़े स्टेडियम के ऑफिशियल्स पर मैन हैंडलिंग का आरोप लगाते हुए उनसे भिड़ गए शाहरुख। My only clarification is, even if the kids were misbehaving a little, you don't physically manhandle them. जिसके बाद शाहरुख पर वानखेड़े स्टेडियम की तरफ से 5 साल का बैन भी लग गया। I personally would not like to go myself. लेकिन थोड़े दिनों बाद ये मामला भी शांत हो गया। उसके बाद यूएस की येल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए शाहरुख को वहाँ के एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने एक बार फिर एक घंटे तक डिटेन करके रखा, जिस पर अपने विटी स्टाइल में शाहरुख ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया दैट व्हेनेवर आई स्टार्ट फीलिंग टू एरोगेंट अबाउट माय सेल्फ आई टेक अ ट्रिप टू यूएस। साल खत्म होते होते शाहरुख की जब तक है जान और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार के दिवाली क्लैश को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में तो आपको सब कुछ याद ही होगा। आई थिंक देयर इनफ स्क्रीन्स, या दे सेड देयर सम 10,000 स्क्रीन्स, आई डिडंट इवन नो, सो वी हैव 1500 एंड होपफुली यू नो देयर इनफ गोइंग अराउंड फॉर एवरीवन टू रिलीज अ फिल्म। थैंकफुली इट्स नॉट माय प्रोडक्शन कंपनी, so you have to do it with the production companies which are sending legal notices to each other. पहले अजय की सन ऑफ सरदार को जब तक है जान के सामने ज्यादा स्क्रीन्स नहीं मिले, और फिर यश जी के जाने के बाद जब तक है जान के ग्रैंड प्रीमियर में आदित्य चोपड़ा ने वन ऑफ वाईआरएफ लीडिंग लेडीज काजोल को सिर्फ इसलिए इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो अजय देवगन की पत्नी है। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, थैंक यू। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट, आई हैव कम फॉर एन इवेंट, लेट्स स्टिक टू क्वेश्चंस ऑन दैट, थैंक यू। यानी काजोल और वाईआरएफ के बीच की इस कॉन्ट्रोवर्सी ने 2012 में काफी हेडलाइंस बनाई। लेकिन इससे भी बड़ी कंट्रोवर्सी जो साल भर खत्म नहीं हुई और जिसने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के पर्सनल इक्वेशंस बिगाड़ कर रख दिए, वो थी प्रियंका के साथ शाहरुख के एलिजिट अफेयर की कंट्रोवर्सी। साल 2011 में शुरू होने वाली इस कंट्रोवर्सी ने साल 2012 में प्रियंका चोपड़ा के फिल्मी करियर पर ही सवाल या निशान खड़े कर दिए। खबरें आई कि शाहरुख की वाइफ गौरी खान ने पूरी इंडस्ट्री में ये हिदायत जारी कर दी है कि प्रियंका को इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म न मिले, और इन्हीं बातों के बीच शाहरुख और गौरी के सबसे अच्छे फिल्म मेकर फ्रेंड करण जौहर ने प्रियंका के खिलाफ ट्विटर पर ये ओपन वॉर जारी कर दी। हालांकि बाद में प्रियंका ने करण की 40th बर्थडे पार्टी पर जाकर करण के साथ ऑल इज वेल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका और गौरी के बीच किसी तरह के सेटलमेंट की कोई खबरें साल 2012 में तो नहीं आई।
उधर बेब और करीना कपूर के मियां सैफ अली खान ने साल की शुरुआत में ही मुंबई के ताज होटल में इकबाल शर्मा को पंच कर खड़ी कर दी एक और कंट्रोवर्सी। इकबाल शर्मा ने सैफ पर इल्जाम लगाया कि वो बेब और करीना लोलो करिश्मा और अमृता अरोरा लद्दाख के साथ ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में बैठ कर काफी नॉइज पॉल्यूशन कर रहे थे, और जब इकबाल और उनके फादर इन लॉ ने सैफ को शांत रहने के लिए कहा तो सैफ ने उन पर और उनके फादर इन लॉ पर हाथ उठाया। सैफ को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सैफ ने ये बयान भी दिया। I just want to say that I acted in self-defense. I was hit. It could have been handled differently. And people who are being aggressive can sometimes be dismissed and should be dismissed. And I should have set maybe a better example. I'm sorry I reacted the way. All in all, Patodi के नवाब सैफ अली खान का इस तरह गिरफ्तार होना साल 2012 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी जरूर साबित हुई। 2012 की 12 कंट्रोवर्सीज में आठवें नंबर पर है लेट राजेश खन्ना की मौत के बाद उनकी लिव इन पार्टनर अनीता आडवाणी के नए नए स्टेटमेंट से खड़ी हुई कंट्रोवर्सी। काका के निधन के तुरंत बाद पहले तो अनीता आडवाणी ने उनके बंगलो आशीर्वाद पर अपना हक जताया, और फिर अक्षय कुमार और खन्ना फैमिली पर उन्हें जबरन घर से बाहर निकालने की बात कहते हुए उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दिया। And if that was not enough, आए दिन अनीता की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट काका के सन इन लॉ अक्षय या फिर खुद काका के चरित्र पर सवालिया निशान खड़े करते रहते हैं। अक्षय कुमार इधर काका के निधन के बाद अनीता से जुड़ी कंट्रोवर्सी से उबर पाते इससे पहले ही शिरीष कुंदर के साथ हो गई उनकी कोई सीक्रेट वॉर, जिसके चलते अक्षय अपनी ही फिल्म जोकर का एक भी प्रमोशन करने के लिए सामने नहीं आए। यहाँ तक कि अक्षय ने तो जोकर के प्रोड्यूसर्स को रोते रहने दो का ये बयान भी दे दिया। रोने दीजिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना, आप मत रोइए। जिसके चलते जोकर की प्रोड्यूसर फरा ने भी अक्षय के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड पर जमकर बयान दिए। नहीं, उनका रीजन आप उनसे ही पूछ सकते हैं। मेरे पास एज अ प्रोड्यूसर मुझे दुख होता है, क्योंकि एक पिक्चर जो है अपने बच्चे की जैसी होती है, तो अगर आप कोई भी रीजन हो आप अपने बच्चे को ऐसा छोड़ नहीं सकते। इनके अलावा करण जौहर और राम गोपाल वर्मा की एज ओल्ड वॉर भी 2012 में फिर से इंटेंसिफाई हुई, जब करण की मच एम्बिशियस फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई। राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर करण का मजाक उड़ाते हुए ये फनी ट्वीट्स किए। जिनका जवाब करण ने कुछ इस अंदाज में दिया। You know, I really got worried for a moment, because I thought we had lost him. और बस खड़ी हो गई एक और कंट्रोवर्सी। प्रकाश झा की फिल्म चक्रव्यूह ने अपने इस गाने के जरिए 2012 में खड़ी की एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। होया टाटा सबने अपने चक्कर में देश को काटा, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर प्रकाश झा की फिल्म का ये सॉन्ग भी शामिल हो गया साल 2012 की टॉप 12 कंट्रोवर्सीज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में लेजेंडरी सिंगर लता दी ने दावा कर दिया कि लेट मोहम्मद रफी साहब से रॉयल्टी इशू पर उनकी लड़ाई के बाद रफी साहब ने उनको रिटन अपॉलोजी भेजी थी। लता दी के दावे को झूठा बताते हुए रफी साहब के बेटे शाहिद रफी ने लीगल एक्शन लेने की बात तक कह दी। यानी ऑल इन ऑल ईयर 2012 भी हर साल की तरह कॉन्ट्रोवर्सीज से अछूता नहीं रहा। वी होप कि बी टाउनर्स इन सभी कॉन्ट्रोवर्सीज को भुलाकर एक नए अंदाज में नए साल की शुरुआत करेंगे। सुरुचि महातपुरकर, कोरे जिंग, मुंबई।